दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जाँच का सामना कर रहे हैं। फिलहाल सिसोदिया जेल में है। सिसोदिया के पास केंद्रीय जाँच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ बुधवार के लिए दो विशेष अनुमति याचिकाएं सूचीबद्ध है। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और एस बी एन भाटी की पीठ ने सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के संयुक्त अनुरोध पर सहमति जताई। सिंघवी ने पिछली सुनवाई में अदालत को सूचित किया था कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि सिसोदिया अपनी पत्नी की गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सिसोदिया ने 30 मई और 4 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय के दो अलग अलग आदेशों के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें क्रमशः ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी की लंबी बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया की पत्नी एक ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित है और उनके द्वारा पेश किए गए मेडिकल दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी हालत बिगड़ रही है। उन्होंने मानवीय आधार पर कम से कम दो सप्ताह के लिए रिहाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ पहले उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी, क्योंकि इससे संकेत मिला था कि अंतरिम जमानत याचिका के लिए इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी की हालत स्थिर है।